हाय गाइस, मेरा नाम है नितेश। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट के बारे में जिसका नाम है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक कॉमन हाउस प्लांट है जो आपको काफ़ी घरों में मिल जाएगा, और अगर आप नर्सरी से लेने जाएंगे तो आपको हर नर्सरी में ये प्लांट ज़रूर मिलेगा। ये सेंसिवेरिया वैरायटी का प्लांट है, नाम है इसका स्नेक प्लांट। कुछ हद तक ये हवा को भी अपने इर्द गिर्द साफ़ करने में मदद करता है। इस वीडियो में हम इस प्लांट की टेक केयर के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं हम सनलाइट की। आप अपने टेरेस पर स्नेक प्लांट को उस जगह प्लेस करेंगे जहां पर आप इसे ब्राइट लाइट पूरे दिन की दे सकें। एज सच इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा ब्राइट लाइट में आप प्लांट को रखेंगे उतनी ही अच्छी ग्रोथ प्लांट की आएगी। प्लांट आप इंडोर भी रख सकते हैं और शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, बट वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ स्लो रहेगी। जो मल्टीपल प्लांट्स एक प्लांट से इसमें साइड से निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे। तो सबसे अच्छा रहेगा अगर आप प्लांट को, स्नेक प्लांट को रखेंगे अपने टेरेस पर उस जगह जहाँ पर आप इसे ब्राइट लाइट दें। दूसरा हम बात करेंगे पानी के ऊपर। देखिए, प्लांट जो है ये स्नेक प्लांट, ये एक पेरिनियल प्लांट है, 12 महीने का पौधा है और बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ चलेगा अगर आप इसमें पानी ढंग से लगाएंगे। पानी लगाने का तरीका इस प्लांट में ये है कि आप पानी लगाने से पहले हमेशा मिट्टी चेक करेंगे कि वो पूरी तरह से सूख गई है या नहीं। मतलब ये है कि इस प्लांट को सॉइल मॉइस्ट इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। आप दो वाटरिंग के बीच में आप गैप रखेंगे और चेक करेंगे, मिट्टी को पूरी तरह से ड्राई होने देंगे, उसी के बाद अगर आप पानी लगाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी और प्लांट आपके साथ ज़्यादा चलेगा। तीसरा हम बात करेंगे पेस्टिसाइड के ऊपर। एज सच इस प्लांट पे किसी भी पेस्ट और एफिड का अटैक हमने देखा नहीं है। जो प्रॉब्लम इस प्लांट में आती है वो प्लांट में आती है सिर्फ रूट रोट की, और रूट रोट की प्रॉब्लम आएगी आपको जब आप वाटरिंग प्लांट में ओवर करेंगे। जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से वाटरिंग करेंगे तो आपको रूट रोट की भी समस्या नहीं आएगी। अगर मान लीजिए कि आपको समस्या आती है तो उसमें क्या होगा कि प्लांट की लीव धीरे धीरे करके ड्राई होना शुरू हो जाएगी, आपको दिखेगा और प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। जब भी अगर आपके साथ ऐसा होए तो आपको क्या करना है उस टाइम पे कि आपको मिट्टी पूरी तरह ड्राई होने देनी है। जितना आप ड्राई होने देते हैं उससे दो दिन एक्स्ट्रा मिट्टी को आप पूरी तरह से ड्राई होने दीजिए और फिर ही उसमें पानी लगाएं। अगर इससे भी समस्या आपकी सॉल्व नहीं होगी तो आपको क्या करना है कि आप प्लांट को मिट्टी से निकालेंगे, एक दिन उसे ऐसे ही रखेंगे बिना मिट्टी में लगाए ड्राई होने के लिए, और बाद में फ्रेश मिट्टी में प्लांट को दोबारा से पोट करेंगे। चौथा हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के ऊपर कि आप प्लांट को पूरे साल फर्टिलाइज कैसे करेंगे। आप मान लीजिए कि नया प्लांट लेके आए हैं नर्सरी से, तो आप पहले तो पॉटिंग मिक्स में क्या करेंगे कि आप लेंगे 75% नॉर्मल गार्डन सॉइल और उसमें ऐड करेंगे 25% किसी भी तरह की ऑर्गेनिक खाद। ऑर्गेनिक खाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या मैन्योर, जो भी आपको ईजिली मिल जाए। देखिए, ये एक लीफी प्लांट है, बुशी होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालना है। किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। पूरे साल में आपको फरवरी और मार्च के महीने में 3 से 4 इंच की अच्छी लेयर किसी भी तरह की खाद की, ऑर्गेनिक जो मैंने आपको बताया है, आप इसके ऊपर बिछाएंगे और प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। इसके अलावा पूरे साल में आप प्लांट को फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे। अब लास्ट में हम कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। नर्सरी में आपको हर एक नर्सरी में ये प्लांट मिलेगा। सेंसिवेरिया वैरायटी का प्लांट है जिसका नाम है स्नेक। स्नेक प्लांट आपको 100 से 150 रुपये में हर नर्सरी में आराम से मिल जाएगा। सेंसिवेरिया में और भी बहुत सारी तरह की वैरायटी आती हैं, 100-150 रुपये से स्टार्ट है, 250-300-400 रुपये तक में आपको काफ़ी सारी वैरायटीज मिल जाएंगी, आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। अब कुछ और ज़रूरी बातें। ये जो प्लांट है, प्लांट का ग्रोइंग सीजन जो है वो समर्स है। जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और प्लांट डोरमेंसी में चला जाएगा। उस टाइम आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही गर्मियां वापस लौट के आएंगी प्लांट की ग्रोथ अपने आप ही शुरू हो जाएगी। अगर आप प्लांट को सही लोकेशन पे टेरेस पे रखेंगे और पानी लगाने के बीच में इंटरवल देंगे, मिट्टी को पूरी तरह से ड्राई होने देंगे, तो प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी रहेगी। मल्टीपल प्लांट्स एक ही प्लांट में से निकलेंगे और आपको हर साल, आप मान लीजिए आपको हर साल ही प्लांट को रूट डिवाइड करना पड़ेगा और आपके एक प्लांट से 2 या 3 प्लांट
इजीली बन पाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और कंटेंट और वीडियो हम बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।